अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाजिर आपके साथ एक और न्यू गेमिंग वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने इस गेम का नाम तो पढ़ लिया होगा, वैम्पायर। तो आज हम एक ऐसा गेम प्ले करने जा रहे हैं जिसका नाम वैम्पायर है, यानी इस पूरे गेम की स्टोरी बेस करती है वैम्पायर्स पे। और अगर आपको वैम्पायर्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बताऊँगा इसी गेम के अंदर, जो कि हमारा 2018 में रिलीज़ हुआ था। बल्कि मैं आपको इस गेम के बारे में क्या बताऊँ, आप खुद ही स्टोरी देख लें, मैं आपको इसी गेम में मिलता रहूँगा। पहले आप स्टोरी को देख लें, इसकी बातें सुन लें ज़रा। Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. यार इतने सारे कंकाल, इतने सारे लोग मरे हुए हैं, तो जब स्टार्टिंग इतनी अच्छी हो रही है इस गेम की तो मज़ा भी जो है वो बहुत आएगा आपको इस गेम के अंदर। आपको अगर ऐसा गेम पसंद है तो आप बताइएगा ज़रूर, ताकि आपके लिए इसके ऊपर पूरी एक और मज़ीद पूरी हम जो है इस गेम को मुकम्मल कर पाएँ और आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहें। ये जो है हमारे मेन करेक्टर को होश आ चुका है, जो कि काफ़ी देर से ख्वाबों की दुनिया के अंदर है। और ये गेम पूरा एक जो है नाइटमेयर पे बेस करता है। नाइटमेयर्स अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि भाई ऐसे ख्वाब जो इंसान को डरा देते हैं। और ये हमारा मेन करेक्टर जो है वो होश में आ चुका है, तो यूँ हमारा गेम आगे बढ़ रहा है। आप इस गेम को उम्मीद इंजॉय कर रहे होंगे और आपने अभी तक वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। ये हम आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो ऊपर चढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ कुछ आपको जो है वो स्टोरी समझ आ रही होगी। वैसे तो अभी कुछ ख़ास हमें स्टोरी के अंदर बताया नहीं गया है। ये हम खड़े हो गए हैं अपने पैरों के ऊपर और हम चलते हैं थोड़ा आगे इस गेम के अंदर। ये जो है हमें कंट्रोल्स दिए जा चुके हैं, तो हम थोड़ा डब्लू का बटन इस्तेमाल करके, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए, थोड़ा बहुत माउस का इस्तेमाल करते हुए बढ़ते हैं इस गेम के अंदर आगे। और हमें यहाँ कुछ खून के निशान दिख रहे हैं और वैम्पायर होते हैं खून के प्यासे, ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने वैम्पायर्स की मूवीज़ देखी हैं। और एक मैं आपको टॉप लिस्टेड मूवी का नाम बता दूँ जो वैम्पायर बेस के ऊपर, वैम्पायर बेस स्टोरी पर है, तो उसका नाम है अंडरवर्ल्ड। वो एक सामने से हमें जो है कोई बंदा या कोई वैम्पायर आता नज़र आ रहा है, हम जाके इससे मिलते हैं और देखते हैं कि हमारी क्या बात रहती। तो ये हम पहुंच गए हैं इसके करीब और करीब पहुंचते पर हमें दबाना है एफ़ का बटन और ये हमारे मुज़ाकरात शुरू हो गए। ये शायद इसका कोई जानने पहचानने वाला है, और जी हाँ दोस्तों ये कोई जान पहचान का ही बंदी है इसकी। अब ये इसकी बहन भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है, ये तो हमें स्टोरी के साथ साथ पता चल ही जाएगा कि ये कौन थी इसकी। ये इसके कुछ हालात सही, ओ तेरी खैर काट लिया। अरे भाई ये तो बन गया है वैम्पायर और ये शुरू हो गया है हमारा गेम, और ये पूरा जो है वो वैम्पायर बन गया और इसने इसको काट लिया है और अब पता नहीं क्या ही होगा। ओ तेरी खैर, और जॉनथन माय सूट ब्रदर, तो भाई ये है इसका भाई और इसने अपनी बहन को ही काट लिया है और वो पूछ रही कि आपने ये क्या कर दिया मेरे भाई। और ये गेम का हमारा रंग भी तब्दील हो चुका है, यानी कि ये इतनी देर से था नाइटमेयर में एक ख्वाब के अंदर और अब ये ख्वाब से जाग चुका है और इसने अपनी बहन को ही काट डाला है। तो भाई ये तो हो गया वो गलत, होल्ड ऑन, बचे रहो। अब क्या यार, अब तो तुमने काट लिया, अब क्या बचेगी वो यार। काटने के बाद तुम उसको बचाने के बोल लो और हेल्प मांग रहे हो, इतनी देर से तुम ख्वाबों की दुनिया में थे,
मैरी, मैरी नाम था भाई इसका जिसने इसको काटा है, मतलब इसने जिसको काटा है अपनी बहन को जो काटा है, बहन का नाम था मैरी। तो गाइस हमारा जो है वो गेम शुरू हो चुका है, ये पूरी जो है स्टोरी में बताया जा चुकी है, चूँकि एक वैम्पायर बेस है और इस बंदे को नहीं पता कि इसने क्या करा, ये इतनी देर से ख्वाब में था यानी कि नाइटमेयर्स में था, तो इसने अपनी बहन को मार दिया है फिलहाल। अब देखते हैं आगे क्या होता है कि या ये भी एक ख्वाब था जिसने बहन को मारा या फिर ये एक हकीकत थी, तो देखते हैं हम इसी गेम की वीडियो में। व्हाट हैव आई डन, ये मैंने क्या किया, ये तो एक डरावना ख्वाब था, साफ कह रहे हैं कि एक डरावना ख्वाब था और मैंने ये क्या किया। खैर अब जाहिर सी बात है इनकी बहन को मार दिया गया, इन्होंने खुद ने मारा है, तो अब के ओ पूरे जो है जगह के लोग इसके पीछे पड़ गए हैं और ये चीख चीख के बता रहे हैं कि भाई मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, लेकिन कौन सुनता है, जो लोग देखते हैं वो ही कर, उसी का जवाब लोगों को दिया जाता है। खैर अब जो है हमें थोड़ा छुपना पड़ेगा और नो 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 मैंने नहीं मारा यार, बोलता रहा है बंदा लेकिन नहीं यकीन कर रहा कोई इस बस की बात का, तो क्या कर सकते हैं, बार बार यही कह रहा है कि भाई मैंने नहीं मारा और अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, आई नीड टू गो। तो हम ढूंढते हैं कोई जगह यहाँ से निकलने की, हम चलते रहते हैं, भागना रहना पड़ेगा हमें, हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई हथियार नहीं है तो हमें भागने के सिवा कुछ और नहीं मिलने वाला, तो हम भागते हैं यहाँ से। स्टॉप बोल रहा बंदा, यार मेहरबानी करो नहीं मारो, मैंने नहीं मारा, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है भाई। यहाँ से हम निकलते हैं, ये हमें जगह मिले, व्हाट गोइंग ऑन यार, क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, जो हो रहा है सामने हो रहा है, तुम्हें मारा जा रहा है, ओ मेरी, मैं ये नहीं चाहता था, मैंने ये क्या कर दिया, अफसोस हो रहा है अब इस बंदे को ये करने का। और यहाँ पे हमें एक बंदा मिला है और हम एफ का बटन दबा के इससे हथियार निकाल लेते हैं, और हमारे पास एक आ गया नाइफ, यानी कि हमारे पास आ गया एक चाकू, और चाकू भी बड़ा तेज़ है, तो अब थोड़ा शायद हम लोगों को मार पाएँ और यहाँ से बच पाएँ। तो ये हमें एक बंदा मिल गया और कंट्रोल से हम इस टारगेट को लॉक कर सकते हैं। हु आर यू, कौन हो तुम भाई, हम बता भी देंगे जब भी तुमने हमें छोड़ना नहीं है, तो तुम्हें मारना हमारे लिए बेहतर है ना यार। खैर हम जो है वो एक सेफ हाउस फ़िलहाल हमें ढूंढना पड़ेगा, एक जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ हम वक्त गुजार पाएँ और इन लोगों से बच पाएँ। तो हम ढूंढते हैं, वो तो रास्ता ब्लॉक दिख रहा है मेरे को, शायद हमें सीधा ही जाना है, हमें जाना है लेफ्ट हैंड पे, आगे से भी बंदे वहाँ से भी बंदे, तो हम चलते हैं आगे आपके साथ साथ जो है गेम चल रहा है। और गाइस अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं और अगर अभी तक आपने लाल वाला बटन नहीं दबाया जो कि सब्सक्रिप्शन को होता है, दबा दें। ये हमें एक और बंदा मिल गया और हम इसको मार देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम बोलते रहे हैं कि भाई हमने नहीं करा लेकिन हमें को छोड़ने को तैयार नहीं है। ओ तेरी बहुत तेज़ पड़ा, ओ होए मेरे भी पड़ा दोबारा, आई एम सॉरी, वाह भाई वाह, मारने के बाद सॉरी कर रहा है यार, ऐसा थोड़ी ना होता। लेकिन हमारे पास कोई चांस नहीं, बाहर जगह नहीं दिख रही मेरे को, हम वापसी अंदर चलते हैं। अगर आपने गाइस चैनल ये गेम पहले से खेला हुआ है तो आप ज़रूर बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर, और क्या आपको ऐसे गेम्स पसंद हैं तो अभी आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे काफ़ी मशीनरी सिस्टम है, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, जो है मशीनें चल रही हैं यहाँ पे, यहाँ तो जगह नहीं है जाने की, हम कोई और ट्राई करते हैं। तो ये हमें एक जगह दिख रही है, हम यहाँ पे चलते हैं आगे, फिर से लोग आ गए हैं और हमें स्विच होने का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं, हम इनको मारते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। और तेरी खैर दस 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 ठोक डाला हमने। इस गेम के अंदर भी जो है हमें मारा धाड़ी मिल रही है, लेकिन भाई वो वाली नहीं मिल रही जो पिछले गेम्स में मिला करती थी, ये गेम एक अलग ही रोक के अंदर जा रहा है। और यहाँ से हम गेट खोलते हैं और चलते हैं अंदर। ये हमने गेट खोला और ये लो एक बंदा ऑलरेडी हमारे इंतज़ार में खड़ा हुआ, यार हर कोई हमें मारने में लगा हुआ भाई, हम बोल रहे हैं हमने नहीं मारा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा, तुम सुन तो लो, लेकिन नहीं किसी ने सुनना ही नहीं है। लिसन टू मी, सुन लो मेरे को, आई कैंट मेक एनी सेंस, मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं पता। खैर इन्होंने सुनना नहीं है और मारा धाड़ी का, ओ तेरी, हम जल रहे हैं, हम जल रहे हैं, क्यों भाई, अच्छा हम वैम्पायर बन चुके हैं इसलिए शायद हम जल रहे हैं। तो गाइस जैसे हर मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि वैम्पायर धूप में नहीं आ सकता, तो इसी गेम में भी यही कुछ सीन क्रिएट किया गया है कि वैम्पायर धूप में नहीं आ सकता, और हम धूप के अंदर जो है वो जल रहे थे, हम धूप से बाहर आ गए, अब हमें धूप में नहीं जाना, और दिन गुजारने के लिए हमें कोई जगह ढूंढनी है जहां अपना दिन आसानी से गुजार सके। तो हम ढूंढते हैं कोई रूम अपने लिए, वहां एक बंदा हमारे इंतजार में खड़ा है मारने के लिए, ये पूरा शहर हमें मारने के लिए खड़ा। ओ तेरी बहुत तेज़ लगी यार, लेकिन हम वैम्पायर हैं, हम सिल्वर की गोली से मारेंगे, हम ऐसे नहीं मारेंगे, हम गोली से, हमें सूरज से डर लगेगा यानी रोशनी से डर लगेगा और हमें मारेंगे सिल्वर से। ये हमें एक घर मिल गया है, तो हम इसको ओपन करते हैं और अंदर जाके देखते हैं क्या हुआ। हमने ये ओपन कर लिया है और हम आ गए अंदर, और अंदर आते ही हमने जो है वो लगा दी है दराज। यार दराज नहीं है ये, एक जो है वो पूरा टेबल होता है ना जिसके अंदर सारा सामान वामान रखते हैं वो है। खैर हमने लगा दिया यहाँ पे ताकि अब कोई अंदर ना आ पाए,
और हम सर्च करते हैं अब इस पूरे हाउस को कि हमारे लायक यहाँ पे कुछ है या नहीं हो रहा। हमें अभी तक पिछला कुछ याद नहीं आया, क्योंकि स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि बस जो है वो ख्वाब से हुई थी, एक ख़राब ख्वाब से, लेकिन हमें अभी तक कुछ भी सही से नहीं पता। तो इस रूम को सर्च करते हैं और ये हमने इस पर क्लिक करा और हमें शायद कुछ यहाँ पर मालूम है। कुछ तस्वीरें हैं, दो तस्वीरें हैं, किसकी हैं ये मुझे नहीं पता। ये स्टोरी के अंदर बताया जाएगा कि क्या सीन क्या चल रहा है। तो ये इनको कुछ याद आया कि एक लड़की थी जिससे ये मिले और वो मर गई, मतलब जो अभी अभी उन्होंने करा अपनी बहन को मार डाला। तो ये इनको याद आ रहा है, मेरी बहन का नाम था और मेरी को ये मार चुके हैं। और भी कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें मारनी है और अभी अफसोस हो रहा है, लेकिन अफसोस का कुछ फ़ायदा नहीं। और ये कह रहे हैं कि मैं उसको ढूंढ लूँगा जिसने हमारे साथ ये किया। मेरी आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि इसने जानबूझ के नहीं किया। ये जो है एक ख्वाब में था वो, मतलब ख्वाब भी आम ख्वाब नहीं था, एक नाइटमेयर था। फिर से हमें कुछ मिला, एक्सप्लोर चल रहा है अभी फ़िलहाल, हमारा एक्सप्लोर करने को मिल रहा है हमें इस गेम के अंदर बहुत कुछ। और उम्मीद है आपको भी वीडियो अच्छी लगी रही होगी। और ये एक जो है वो कुछ और मज़ीद याद आ रहा है, यहाँ कुछ पड़ा हुआ मिला है। और क्या है भाई ये दिखाओ यार, ये क्या है? ओ तेरी, ये तो एक वॉच है। और वॉच से इन्हें याद आया कि दो लोग थे, एक था, एक ये रहा, एक और दो लोग थे जो यहाँ से इसकी घड़ी शायद चुरा के लेके गए थे। और कुछ कह रहे थे अब स्टिल, ये इन्होंने जो है वो इसकी घड़ी चुरा ली थी। तो इसके साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है, अभी वक्फा इनको जो है वो चीज़ें याद आ रही हैं। और इस तरीके से जो है वो हमारी स्टोरी आगे चलती जा रही है। ये उठा के फेंक दिया इसको, अब ये इस घड़ी से इसको ये याद आया, और भी हम इस घर को एक्सप्लोर करते हैं कि हमें क्या मिल सकता है। अफसोस, फिर वही अफसोस से तो खैर कुछ नहीं हो सकता, अब क्या कर सकते हैं। एक्सप्लोर करते हैं और चीज़ें देखते हैं। वहाँ सीढ़ियाँ मेरे को दिख रही हैं, मैं ऊपर जाके देखता हूँ शायद मुझे कुछ और मिले। यहाँ पे एक वॉच आ चुकी है हमारे पास फ़िलहाल, और ये ऊपर जाने का रास्ता है। तो मैं यहाँ से ऊपर चलता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हम और देखते हैं शायद हमें कुछ और भी यहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिल जाए। चलो भाई कमरे में चलते हैं, शीशा लगा हुआ है, एक सामने टेबल रखी हुई है, शीशे के पास या कुछ और है, ये हमारे शीशे के पास। और हमें दबाया F और ये देखा इसने अपने आप को, ये वो निशान है जो किसी ने इसके काटा था। इसने किसी को नहीं काटा, इसने अपनी बहन को काटा, लेकिन इसने किसी को काटा तो इसको अभी पता चलता है। देखते हैं कि क्या दिखता है ख्वाब में। तो ये जो है इसको ख्वाब में दिख रहा है कि ये किसी जगह पे आया हुआ है, और ये जो हमारा करेक्टर है, और आवाज़ें भी आ रही हैं कहीं से, अंधेरा है काफ़ी। और ये पीछे एक शख्स आ गया अचानक से और ये काट लिया इसने इसके। अब ये शख्स कौन था ये इसको नहीं मालूम, और इसने इसको क्यों काटा ये इसको मालूम है, क्योंकि ये ख्वाब में था। खैर आई स्टिल हैव नो मच कॉम्प्लिश, लेकिन ये है कि शीशे में देख के इसको पुराने याद आया। अभी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इसी कमरे के अंदर लगता है काफ़ी चीज़ें हमें हमारी एक्सप्लोर हो जाएंगी। और ये एक और बार एफ का बटन दबाने को कह रहा है, तो हम दबा के देखते हैं। नहीं, हमें वहाँ से शायद कुछ नहीं मिला, दराज के अंदर शायद कुछ होता। ये हम आ गए इस बंदे के पास, और इस बंदे के पास जो है वो काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है, और ये मरा हुआ है, और ये पता नहीं क्या ही है। और देखते हैं भाई और क्या क्या हमें इस कमरे के अंदर मिलता है। ये चेक कर रहे हैं हम, कुछ सांसें तो नहीं चल रही भाई इस बंदे की, कुछ है क्या? ओ तेरी खैर, एक गन है भाई इस बंदे के पास। अब देखते हैं गन से कुछ याद आता है या फिर नहीं आता। अमूमन तो हर चीज़ पे इसको कुछ ना कुछ याद आ रहा है, लेकिन देखते हैं कि क्या गन पे कुछ याद आता है। ओ जी भाई, गन पे याद आएगा कि यहाँ पे इसका दोस्त है और ये एक लड़की को जो है वो खो रहे हैं, और यहाँ पे आई थिंक जंग चल रही है। और ये साथी कह रहा है कि हम चलते हैं यहाँ से, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, हम इसको ज़िंदा बचाएंगे, ही विल लिव, ये ज़िंदा रहेगी और हम लड़ेंगे, वी फाइट क्लिंग। तो ये लड़ना चाहता है और वो भागना चाहता था। खैर ये वापसी आ गया और इस गन को वापसी ले लिया है। और हमारी वीडियो भी जो है वो काफ़ी मतलब नॉर्मल रेंज में आ चुकी है, मतलब 14 से 15 मिनट की हो चुकी है तकरीबन। तो गाइज और कुछ एक्सप्लोर करते हैं, अगर हमें इस कमरे के अंदर और कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है तो। यहाँ कुछ रखा है, ये टेबल के ऊपर कुछ रखा है, ये एक बुक है,
ब्लडी, तो इसको हम रहने देते हैं और ये शायद बेड है हमारे पास, हम इस पर आराम कर लेते हैं। तो गाइस वीडियो को हम रखते हैं इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा बेड है, हम इस पर आराम करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने लाइक कर दिया होगा और लाल वाला बटन भी प्रेस कर दिया होगा, यानी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, बेल आइकन भी आपने दबा दिया होगा। तो इस गेम को मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, आपके लिए एक सस्पेंस छोड़ूंगा कि आप दूसरी वीडियो देखने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जब आपको एंड के अंदर कोई ऐसी चीज़ देखने को मिलती है कि उससे आगे की तलाश रहे तो फिर मज़ा भी आता है और आप भी अच्छे तरीके से वीडियो देखते हैं। तो ये निकाल ली गन इसने, जो इसको अभी अभी मिली है, और इस गन से ये क्या करने वाला है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये रखी इसने अपने सीने के ऊपर और हमारे पास ऑप्शन आएगा आई थिंक कि ये दबा दें और इसको मार डालें। तो देखते हैं हम और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शूट का ऑप्शन आ गया और हमने कर दिया शूट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।